कैन पुलिस ने 11 अंतर्राज्यीय मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 11 अभियुक्तों को सरदार तिराहा रेलवे कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान शेखर कुमार पुत्र स्वर्गीय राम महतो निवासी महतो थाना तालझारी जनपद साहबगंज झारखंड, दूसरा मिथुन महतो पुत्र स्वर्गीय किशोर महतो निवासी महाराजपुर थाना तालझारी जनपद साहबगंज झारखंड, तीसरा विक्रम चौहान पुत्र दिलीप चौहान निवासी दुर्गाकुंड थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी, चौथा गोपाल कुमार महतो पुत्र स्वर्गीय राजकुमार महतो निवासी नया टोला महाराजपुर थाना तालझारी जिला साहबगंज झारखंड, पांचवा मंतोष सिंह पुत्र स्वर्गीय श्रवण सिंह निवासी तीन पहाड़ बाबूपुर जिला साहबगंज झारखंड, छठवा धर्म कुमार पुत्र अनिल राय निवासी राघोपुर चांदपुरा थाना फतेहपुर जिला वैशाली बिहार, सातवा राहुल कुमार महतो पुत्र सत्यनारायण महतो निवासी तीन पहाड़ बाबूपुर साहबगंज झारखंड, आठवां मनीष कुमार कसौधन पुत्र दिलीप कुमार कसौधन निवासी पठान टोला थाना दक्षिण दरवाजा पुरानी बस्ती जिला बस्ती के रूप में हुई है। इनके साथ ही तीन बाल आबचारी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 12 चोरी का मोबाइल 72 ग्राम नाजायज स्मैक घटना में प्रयुक्त एक ऑटो बरामद हुआ। एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि इनका एक गैंग है, गैंग के ही सभी लोग अपने गांव के अगल बगल के गरीब घर के लड़के जो 10 से 12 साल के बीच के रहते हैं उनको लाते हैं एवं गोरखपुर बनारस इलाहाबाद अन्य जगह पर 10 से 15 दिन के लिए रूम लेकर रुकते हैं और सुबह टेम्पू से या अपने काम पर चोरी करने के लिए निकलते हैं और इन लड़कों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर छोड़ देते हैं तथा बाहर बैठ कर निगरानी करते हैं। लड़के मॉल या सब्जी मंडी तथा फल मंडी मेला सारी जगहों से जहां काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है वहां से लोगों का मोबाइल चोरी कर लेते हैं। इस तरह कुल 4 से 5 मोबाइल रोज़ चोरी करते हैं एवं जब इनके पास 75 से 100 मोबाइल हो जाते हैं तो यह अपने गांव चले जाते हैं। इनका साइबर अपराध करने वाले बंगाल व बिहार झारखंड के लोगों से संपर्क है, उन्हीं को ये मोबाइल 4 से 5 हज़ार के बीच में बेच देते हैं। साइबर अपराधी इन मोबाइलों का साइबर अपराध करने में उपयोग करते हैं। ये बच्चे पकड़े जाने पर किसी को भी कहां रुके हैं इसका पता नहीं बताते हैं एवं पकड़े जाने पर इनके साथी तुरंत उस शहर को छोड़ देते हैं। यहां पर इनके पास से चोरी के कुल 12 मोबाइल बरामद हुआ है तथा जिस टेम्पो से 7 दिन से घूम घूम कर अपराध कर रहे थे उसका ड्राइवर एवं टेम्पो भी पकड़ा गया है। एसपी सिटी ने बताया कि सभी अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया तथा गिरफ्तार करने वाली टीम को 21,000 का इनाम दिया जाता है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैन थाना प्रभारी शशिभूषण राय, रेलवे चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, विश्वविद्यालय चौकी प्रभारी विजय कुमार गौड़, हेड कांस्टेबल धीरज सिंह, जितेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह, जोगेंद्र प्रसाद, अनिरुद्ध यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, ये जो झोला है एक बच्चा है वो इस झोले को लेके बालबचारी है वो बगल में उसके बैठ के उससे फिर गायब हो जाता है। तो ये बेसिकली ये झोला जो है इसी के लिए ही बना है, इसमें और कोई काम नहीं है, इसमें कुछ डालने के सिर्फ फोन चोरी के लिए बना है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए आज 2 अंतर्राज्यीय गैंग, जिनमें दोनों गैंग
जहर खुरानी, मोबाइल चोरी, लैपटॉप चोरी, बैग चोरी एवं विभिन्न प्रकार के अपराध कार्य करते हैं। इस तरीके की दो गैंगों से 8 लोग जो वयस्क हैं एवं 4 बाल अपचारी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 12 मोबाइल एवं 72 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। ये लोग इनका मोडस ऑपरेंडी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये प्रतिदिन प्रातः सुबह को एक टेम्पो लेके निकलते हैं जिसमें ये 4-5 लोग बैठ जाते हैं और टेम्पो को ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे फल मंडी या पे रेलवे स्टेशन या इस तरीके का बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका हो एवं बच्चों को बाल अपचारियों को वहाँ पे छोड़ देते हैं एवं बच्चों के माध्यम से चोरी करवाते हैं, खुद दूर से देखते हैं। और ये घटनाएँ इलाहाबाद और वाराणसी एवं विभिन्न जनपदों उत्तर प्रदेश के एवं विभिन्न राज्यों में ये घटनाएँ कारित करते आए हैं। ये लोग झारखंड के रहने वाले हैं एवं ये लोग जो फ़ोन मोबाइल चोरी करते हैं, इस मोबाइल जब ये 75 या 100 के आसपास जब मोबाइल चोरी हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तब ये लोग वापस झारखंड जाते हैं और वहाँ जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको ये अपने फ़ोन बेच देते हैं 4 से 5 हज़ार रुपये में, और बाद में उन फ़ोनों का प्रयोग साइबर क्रिमिनल्स द्वारा लोगों को देश के विभिन्न भागों में साइबर फ्रॉड के माध्यम से फंसाने का काम किया जाता है। ये लोग हर ज़िले में 10 से 15 दिन के ड्यूरेशन के लिए रहते हैं एवं गोरखपुर में एक मकान किराए डोम बस्ती में मकान के किराए पे रह रहे थे एवं एक ऑटो चालक जिसको भी गिरफ्तार किया गया है, जो 7 दिन से इनको विभिन्न जगहों पर ले जाके घुमा रहा था एवं चोरी कराने में सम्मिलित था। सभी लोगों को हिदायत दी जाती है कि वेरिफिकेशन कराने के बाद ही कमरा किराए पर दें। आधार कार्ड जरूर इनके द्वारा दिया गया था लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इस तरीके के लोग जो 10-12 दिन के लिए आते हैं एवं जनपद में चोरी करके चले जाते हैं। ये जनपद के सभी निवासियों को हिदायत दी जाती है कि भीड़ भाड़ के स्थानों पर अपना सामान, अपना मोबाइल वगैरह ये सब इसकी सार संभाल रखें एवं इस प्रकार के चोरों के चंगुल में ना फंसे। जनपद गोरखपुर में इनका कल 6ठा दिन था एवं ये करीबन 12 मोबाइल इनके पास से बरामद हुए हैं एवं अन्य भी एक दूसरा गैंग और पकड़ा गया है, उसकी बरामदगी भी की जाएगी उनकी निशानदेही पर। इस प्रकार से ये 15 दिन इनका यहाँ टारगेट था रहने का, तो अगर वो यहाँ रहते तो कम से कम 75 से 100 मोबाइल और गोरखपुर से ये लोग चोरी करते एवं उसके बाद ये फिर झारखंड के लिए पलायन करते।